हेलो मित्रों, मैं आज आपको पहला पाठ हिंदी मीडियम 9th का इंग्लिश विषय का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चीतास टियर। और इसमें जो है वो चीता के बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरह से चीता अपने वर्क करते हैं, बच्चों को पालते हैं, इसके बारे में। अब यहाँ लिखा हुआ है, लॉन्ग लॉन्ग एगो अ जूलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री। यानी लॉन्ग लॉन्ग मतलब होता है बहुत बहुत, एगो यानी समय पहले, जोलू यानी एक शिकारी का नाम था, जोलू हंटर मतलब एक शिकारी के कास्ट का नाम है, और वॉज यानी था, सिटिंग यानी बैठा हुआ, अंडर यानी के नीचे, ए ट्री यानी एक पेड़, यानी बहुत बहुत समय पहले की बात है, जोलू शिकारी नाम का एक शिकारी पेड़ के नीचे बैठा था। हिज नेम उसका नाम वॉज ईडी, उसका नाम ईडी था। ही सॉ ए लार्ज हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द लस ग्रीन मेडो। उसने देखा, ही यानी यहाँ पर ही सौ लगा है, ये सी का सौ हुआ यानी सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए ही को उसने बोलेंगे। ही सौ उसने देखा एक लार्ज यानी विशाल झुंड, हर्ड यानी झुंड, और इन डियर यानी कि हिरनों का एक बड़ा सा झुंड, ग्रेजिंग यानी चर रहा था, लस ग्रीन मेडो यानी हरी भरी घासों को। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने तब ये देखकर खुद से कहा कि दिस डियर आर रियली वंडरफुल, बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम। अब उसने मतलब कि ऐसा कहा, ये हिरन वास्तव में बहुत अद्भुत हैं, लेकिन आई हैव टू रन, यदि मैं दौड़ूँ अ लॉट ऑफ टू कैच यानी कि उनको पकड़ने के लिए, तो वन ऑफ देम यानी कि उनमें से किसी एक को वो पकड़ सकते हैं। यानी उसने कहा कि यदि मैं इन्हें, ये हिरन वास्तव में बहुत सुंदर हैं, और यदि मैं उनको पकड़ना चाहूँ तो उनमें से किसी एक को आसानी से पकड़ सकता हूँ। कांट देयर बी एन ईजी वे टू गेट वन। और ऐसा कहने के बाद उसने खुद से अपने मन में एक प्रश्न उठाया कि क्या ये मेरे लिए आसान नहीं हो सकता, यानी कि क्या मैं इसे आसानी से नहीं पकड़ सकता। फिर अब नेक्स्ट है सडनली, सडनली का मतलब अचानक होता है, अचानक से। ही सॉ ए फीमेल चीता क्रॉलिंग साइलेंटली क्लोजर टू द ग्रेजिंग एनिमल। तब तक उसका निगाह जो है, अचानक से उसका निगाह जो है एक फीमेल चीता की ओर गया, जो धीरे धीरे करके चुपचाप उस चरने वाले प्राणियों की, ग्रेजिंग एनिमल जो लिखा हुआ है, यानी ग्रेजिंग एनिमल यानी चरने वाले प्राणियों के पास आ रही थी, क्लोजर यानी नज़दीक आ रही थी, और साइलेंट यानी चुपचाप, क्रॉलिंग यानी खिसकते हुए। अब यहाँ देन सी लेफ्ट एंड कॉट अ डियर, तभी अचानक से उसने मतलब कि डियर छलांग लगाकर एक डियर को पकड़ लिया। फिर एंड कॉट अ डियर आफ्टर सम टाइम, थोड़े आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम यानी थोड़े समय, हर टू यंग कब्स उसके दो छोटे बच्चे केम यानी आए आउट ऑफ द बुश, यानी थोड़े समय के बाद उसके दो छोटे बच्चे झाड़ियों से अंदर बाहर आए। दे ऑल एन्जॉयड देयर मील, यानी वे सभी अपने भोजन का आनंद उठाए। यहाँ पर जो मील शब्द दिया हुआ है, मील का मतलब भोजन, एन्जॉयड का आनंद होता है। फिर एडीज आइस ब्राइटेंड, ये सब देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया, या उसकी आँखें जो है चकमक आ गई, कि ब्राइटन मतलब चमक से भर जाना, या मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। अब दे स्पार्कल्ड विथ एन आइडिया, और उसी समय जब वो चकाचौंध हुआ था, उसकी आँखें चकाचौंध हो गई थी, तो उसी समय उसके मन में एक विचार आया। ही इनविड द कप्स, और वह इनविड मतलब होता है दुश्मन, और कप्स यानी वो चीता के बच्चों का, तभी से वह चीता के बच्चों का दुश्मन हो गया। अब कैन आई बी लकी एट दीज ब्यूटीफुल कप्स, तब उसने अपने मन में ही एक प्रश्न किया कि क्या मैं भी यानी होना, भी यहाँ दिया हुआ है, ये रहा भी यानी होना, और लकी यानी भाग्यशाली, एज दीज मतलब कि इन सुंदर कप, क्या मैं इन मतलब सुंदर चीता के बच्चों के लिए भाग्यशाली हो सकता हूँ या लकी हो सकता हूँ। दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी इफोर्ट, अब
वे गॉट गॉट यहाँ दिया हुआ, वे दे यानी वे, गॉट यानी प्राप्त करेंगे, देयर यानी अपने, फूड यानी भोजन को, विदाउट एनी एफर्ट यानी कि बिना परिश्रम किए, यानी वे अपने भोजन को बिना परिश्रम किए प्राप्त कर सकते हैं। कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर, तब उसने फिर अपने मन में एक विचार रखा और प्रश्न किया कि क्या मैं उसकी माँ की तरह ऐसा शिकारी हो सकता हूँ। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। ही डिसाइडेड टू कैच अ यंग कब एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम, उसने निश्चय किया, यहाँ पर डिसाइडेड दिया हुआ है, डिसाइडेड यानी निश्चय करना। ही डिसाइडेड यानी उसने निश्चय किया टू कैच कि पकड़, यंग कब एक बच्चे को पकड़ने का निश्चय किया, एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम, और उसे अपने लिए शिकार लाने के लिए सिखाएगा। देन आई सेल ओनली से, तब आई यानी मैं, सेल यानी ये सहायक क्रिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ओनली यानी मात्र, से यानी कहूँगा, तब मैं मात्र कहूँगा, क्या कहूँगा, ओह माई डियर प्लीज गो एंड किल अ डियर फॉर मी, यानी अब फिर इसके बाद मैं कहा करूँगा कि ओ मेरे प्यारे डियर यानी हिरन, या माई डियर मेरे प्यारे, जाओ और मेरे लिए एक हिरन को मार कर लाओ। आहा यानी ये एक्सक्लेमेशन से वो शब्द है जिसका मतलब खुशी व्यक्त करने के लिए होता है, और माई लाइफ विल बी वेरी कम्फर्टेबल देन, यानी कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल का मतलब आरामदायक, और अब यहाँ माई लाइफ यानी मेरा जीवन, विल यानी विल बी यानी हो जाएगा, वेरी यानी बहुत, कम्फर्टेबल यानी आनंददायक, आरामदायक, देन यानी तब, तब मेरा जीवन बहुत आरामदायक हो जाएगा। ही वॉज क्वाइट प्लेस्ड प्लेस्ड विथ हिज ऑन विथ हिज ऑन आइडिया, और वह क्वाइट, यहाँ क्वाइट दिया हुआ है, क्वाइट का मतलब हुआ चुपचाप, प्लेस्ड यानी मन ही मन आप ऐसा बोल सकते हो, और प्लेस्ड यानी खुशी या प्रसन्न होना, और फिर विथ हिज ऑन आइडिया यानी अपने ही विचारों पर वो मन ही मन खुश होने लगा। ही डिसाइडेड टू फॉलो कप्स एंड स्टील वन, ही यानी उसने डिसाइडेड यानी निश्चय किया, सोचा, निश्चय किया बोलेंगे, फॉलो यानी पीछा करना, कप्स यानी उन छोटे बच्चों का, एंड और स्टील यानी चुराना, वन यानी किसी एक को, यानी अब उसने निश्चय किया कि वो इनमें से किसी एक को चुराएगा। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, और फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसके, एक्सपीरियंस यानी विचार, सोच या जानकारी, एडी न्यू, न्यू नो यानी जानना, न्यू यानी जानता था कि, एडी जानता था कि अ चीतास नेवर अटैक अ मैन, यानी चीता जो है, फीमेल चीता जो है वो कभी भी किसी मैन पर अटैक नहीं करती, देयर फोर इट वॉज सेफ टू स्टील अ कब, इसी कारण से वो समझ गया कि इन कब को चुराने में वो सुरक्षित था। ही फॉलोड द चीतास फैमिली टिल इवनिंग, अब वह चीता की फैमिली का शाम तक पीछा करने लगा। अब यहाँ एट सनसेट द मदर चीता हिड, अब हाइड मीन्स होता है छिपाना, छिपना या छिपाना, पर यहाँ उसका दूसरा रूप लगा हुआ है हिड, जो अब यहाँ हिड हर हर कप्स इन अ थिक बुश एंड लेफ्ट फॉर अ स्ट्रीम, अब रात के समय यानी शाम के समय जब सूर्यास्त हो गया तो उसकी माँ उनको छिपा करके कहाँ, तो उसकी माँ चीता से यानी अपने बच्चों को एक घनी झाड़ियों में छिपा करके झरने के पास चली गई। क्विकली द हंटर पिक्ड अप हिज नेट एंड स्पेयर एंड रैन इनटू द बुश, अब जल्दी ही हंटर ने पिक यानी उठाना होता है, हिज नेट अपने नेट को उठाया यानी जाल को उठाया, और स्पेयर एंड रैन इनटू द बुश यानी झाड़ी की ओर जो है वो उस पर फेंकने के लिए दौड़ा, यानी कब्स के ओर फेंकने के लिए दौड़ा। ही सॉ टू टाइनी कब्स, उसने वहाँ दो छोटे बच्चों को देखा, टाइनी यानी छोटा होता है, कब्स यानी बच्चे, टू यानी दो, सौ सी का सौ हुआ है, सो यानी देखा, उसने वहाँ दो छोटे कब को देखा, कब यानी चीता के बच्चे को देखा। दे लुक्ड एट हिम, वे दोनों उसकी ओर देख रहे थे विथ दियर ब्राइटन आइज,
यानी अपनी चमकीली आँखों से। दे वेयर टू यंग, वो बहुत छोटे थे जिससे कि वो भाग सकें। एडी थ्रू द नेट ओवर देम एंड द कब्स वेयर कॉट। एडी ने थ्रो यानी फेंका द नेट यानी जाल को, ओवर देम यानी उनके ऊपर, एंड कब्स वेयर कॉट और जो दोनों चीता के कब थे बच्चे बेचारे वो पकड़े गए। अब यहाँ आया ही नीडेड ओनली वन कब बट ही थॉट, उसे तो मात्र एक चाहिए था पर उसने सोचा कि आहा इट वॉज ऑलवेज बेटर टू हैव टू स्लेव इंस्टेड ऑफ देम। उसने ऐसा सोचा कि अरे वाह, ये तो हमेशा ही कहा गया है कि एक से भले दो, इसीलिए शायद मुझे अब एक के बजाय दो मतलब आसानी से मिल गए। अब ही ड्रैग्ड देम विथ हिम एंड हिड देम अंडर अ बिग बास्केट। उसने ड्रैग यानी खींचा, उसे नेट में मतलब बंद करने के बाद खींच करके उनको लेकर आया और अपने एक बड़े से बास्केट में छिपा दिया। द मदर चीता रिटर्न आफ्टर अ वाइल, ही डिड नॉट फाइंड हर कब। मदर चीता जब रिटर्न यानी वापस अ वाइल थोड़े समय के बाद वापस आई तो ही डिड नॉट फाइंड हर कब, वो अपने बच्चे को नहीं पाई। सी लुक्ड ऑल अराउंड बट सी बिकम एंग्री एंड जम्पड वाइल्डली। अब जब वह इधर उधर देखती है और अपने बच्चे को नहीं पाती है तो पहले तो वो गुस्से से एंग्री यहाँ देखो दिया हुआ है, एंग्री यानी बिकम यानी होना, एंग्री यानी गुस्सा, एंड जम्पड गुस्से से हिंसक पशुओं की भांति इधर उधर उछल कूद करने लगी। सी स्नेप्ड ऑल अराउंड, और चारों ओर अपने पंजों से वो फूंक मारना, उछल कूद करने या पंजों से अपने मतलब चिन्ह बनाना, ये सब हिंसक पशुओं की तरह एक्टिविटी करने लगी। बट एलास, लेकिन दुख हुआ कि सी कुड नॉट फाइंड हर कप्स या टाइनी बेबी, यानी इसके बावजूद भी वो उसे उनके छोटे उनका जो प्यारा छोटा बच्चा था वो उसे नहीं मिला। एट लास्ट, और अंत में सी बिकेम सैड एंड स्टार्टेड क्राइंग, और अंत में सी बिकेम यानी हो गई सैड यानी उदास, और स्टार्टेड यानी शुरू की क्राइंग यानी चिल्ला कर रोना। अब लास्ट में अंत में जब उसे नहीं कुछ मिला तो वो जो है रोना शुरू कर दी। सी क्राइड एंड क्राइड फॉर द होल नाइट टिल नेक्स्ट डे इवनिंग। अब वो सी क्राइड एंड क्राइड, वो रोती गई कब तक, सारी रात रोई और अगले दिन शाम तक वो रोती रही। सी क्राइड एंड क्राइड अनटिल हर टीयर्स मेड डार्क स्टैंड डाउन हर चेक। अब सी वह रोती गई अनटिल तब तक हर टीयर यानी कितना रोई वो कि उसके आंसुओं के द्वारा मेड यानी बन गया डार्क स्टैंड यानी काली रेखा डाउन हर चीक उसके गालों पर, यानी वो मदर चीता अपने बच्चों के वियोग में इतना रोई कि एक काली रेखा जो है उसके गाल पर हमेशा के लिए बन गया। सी वॉज स्टिल वीपिंग, अब वो वीपिंग यानी स्टिल यानी होता है स्थिर हो जाना, रोने के कारण वो उसके गालों पर स्थिर हो गया। एट नाइट द मदर चीता क्राइड सो लाउडली दैट सी वॉज हर्ड बाय अ वाइज मैन लिविंग इन द विलेज। और एट नाइट यानी उसी रात द मदर चीता क्राइड यानी मदर चीता जब रो रही थी तो यानी जोर जोर से रो रही थी तो सी वॉज हर्ड यानी कि उसके रोने की आवाज़ को एक बुद्धिमान व्यक्ति जो उसी गांव में उसी झुंड में रहता था उसने सुना। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपन। द ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा व्यक्ति, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टूड यानी समझ गया कि वॉट हैड हैपन यानी हुआ था कि क्या हुआ होगा ऐसा वो समझ जाता है। फिर ही इमिडिएटली लुक हिज स्ट्रॉन्ग कब एंड केम आउट देयर हिज हर्ट, और उसने वह तुरंत उठा और उठने के बाद हिज स्ट्रॉन्ग क्लब यानी अपने क्लब से यानी अपने बेड़े से या उनका जो सोसाइटी थी वहाँ से उठा और उठ करके बाहर आया, अपनी झोपड़ी में से बाहर निकला। ही दिस ओल्ड मैन सैनो वॉज वेरी वाइज, उस ओल्ड मैन का नाम सैनो था जो बहुत बुद्धिमान था। ही लव्ड एनिमल्स एंड न्यू ऑल अबाउट देम, वह
प्राणियों से प्रेम करता था और उनके बारे में सब कुछ जानता था। When Seno found out the hidden cubs, जब सैनो बाहर आकर के हिडन यानी उसके छिपे हुए कब्स को पाता है, ढूंढ निकालता है, तो ही न्यू दैट इट वॉज एडिस विद द आइडिया। अब ही न्यू वो समझ गया कि इट वॉज एडिस यानी एडिका विग्ड यानी दुष्टता या घटिया विचार। ठीक, अब यहाँ वो समझ गया कि ये एडिका ही घटिया विचार होगा या दुष्ट आइडिया होगा। ही गॉट हिम विथ एडिन, और इसके बाद वो क्या मतलब कि एडी को खोजता है, और ही रश्ड टू द हट एंड शाउटेड, और उसके झोपड़ी के पास गया और जाकर शाउटेड यानी चिल्लाने लगा। अब आई हेट यू एडी, और उसने उससे कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एवरीबडी ऑफ आवर ट्रिप विल हेट यू बिकॉज यू आर लेजी एंड विग्ड टू, यानी और सिर्फ मैं ही नहीं हमारे कस्बे के सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुम एक बहुत ही आलसी और दुष्ट शिकारी हो। ही वी नो दैट हंटर मस्ट हंट विथ हिज ऑन स्ट्रेंथ एंड, यानी हम जानते हैं कि एक शिकारी को अपने बुद्धिमत्ता और ताकत के द्वारा शिकार करना चाहिए, लेकिन यू आर अ लेजी हंटर, तुम एक आलसी शिकारी हो। यू आर थीफ, तुम एक चोर भी हो। यू हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ आवर ट्रिप, तुमने हमारे कस्बे के नियमों को तोड़ा है। अब यहाँ पर नियम दिया हुआ है यानी रूल्स यानी नियम होता है आपका, यहाँ देखो रूल्स दिया हुआ है, और फिर यहाँ ट्रिप यानी आपका ये जो ये यहाँ ये ट्रिप इसको बोलते हैं, यानी कि नियम को तोड़ा है। ट्रिप यानी समूह होता है। यू हैड डिसऑनर्ड टू द होल ट्रिप, तुमने जो है हमारे सारे होल यानी सारे यानी समूहों का हम सभी समूहों को हमारे समूहों को बेईमान बना दिया है। और फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ द हंटर ट्रिप गॉट टुगेदर, अब ऑल द मेंबर यानी सभी सदस्य ऑफ द हंटर शिकारी ट्रिप के समूह के सभी लोग एक साथ बोलते हैं गॉट टुगेदर, यानी गॉट यानी पाना चाहते थे, टुगेदर यानी एक साथ, मतलब कि एक साथ वो लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे। और उन्होंने निश्चय किया दे डिसाइडेड टू ड्राइव अवे एडी फ्रॉम विलेज फॉर एवर, और उन्होंने निश्चय किया कि वो एडी को हमेशा के लिए अपने ट्रिप से अपने गांव से निकाल देंगे। सैनो, अब यहाँ सैनो टुक अ कप्स ऑन हिज शोल्डर्स एंड रिटर्न देम टू देयर मदर्स, अब सैनो ने उनको टूक यानी लिया द कप्स यानी बच्चों को ऑन हिज शोल्डर अपने कंधे पर, टू रिटर्न यानी होता है वापस करने के लिए, देम यानी उनको, डियर मदर उनकी माँ के पास। अब सैनो ने उन दोनों बच्चों को अपने कंधे पर उठाया और उठाकर अपनी उसकी माँ को वापस करने के लिए चल दिया। ही सॉ ए लॉन्ग वीपिंग ऑफ द मदर चीता हैड स्टेन हर फेस फॉर एवर, और उसने देखा कि बहुत लंबे समय से रोने के कारण, वीपिंग लॉन्ग वीपिंग मतलब लंबे समय से रोने के कारण, ऑफ द मदर उसके माँ यानी चीता मदर जो थी उसके स्टेन यानी रेखा या लाइन फेस फॉर एवर, और उसके गाल पर जो है एक मतलब हमेशा के लिए एक रेखा बन चुकी थी। हाँ तो विद्यार्थी मित्रों, मैं अब आपको चीता के बारे में फैक्ट अबाउट चीता यानी चीता के बारे में बताऊँगा कि वो उसका शेप कैसा होता है, वो कितने केजी का होता है, उसका जन्म के समय कितना ग्राम होता है, और उसे उसके बड़े होने की एज कितनी होती है, और उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, उसको कैसे हम पहचान सकते हैं, उसकी आदत क्या होती है, वो कहाँ रहता है, ये सब के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। पहला दिया हुआ है फैक्ट अबाउट चीता, फैक्ट यानी होता है प्रभाव या के बारे में, अबाउट यानी चीता
अबाउट यानी के बारे में, चीता यानी चीता, फैक्ट यानी प्रभाव। अब सबसे पहली बात की हाइट। हाइट चीता जो है वो लगभग 100 सेंटीमीटर का होती है। 100 सेंटीमीटर का मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि समथिंग 1 मीटर का। अब इसका वेट जो है 65 किलोग्राम होता है, यानी कि बड़े होने पर इसका वेट जो है 65 kg होता है। और वेट और एट बर्थ, और जब इसके बच्चे का जन्म होता है तो वो उसमें 300 ग्राम का होता है, यानी कि एक कुत्ते के बच्चे के लगभग। अब यहाँ एज, एज ऑफ मेच्योरिटी देखो लिखा है, एज ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी का अर्थ होता है बड़ा होना। तो अब उसके बड़े बड़े होने की उम्र, अब उसके बड़े होने की उम्र में देखते हैं। बड़े होने की उम्र में इसमें बता रहे हैं कि वेट एज ऑफ मेच्योरिटी 2 साल, 2 साल में वो बड़े हो जाते हैं यानी अपने समूह से दूर चले जाते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। द चीता हैज अ लॉन्गर